अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं देगी कबूली चने पुलाव की रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई करना। वेलकम टू माई चैनल फिरदोस चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बासमती राइस लिए थे 15 मिनट के लिए, इसको हमने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। अब यहाँ पर हमने चने ले लिए थे जिसको हमने गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिए थे। उसके बाद इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल के अच्छे से बॉइल कर लिया है। अभी सिर्फ पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्लेम पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर बड़े साइज का एक प्याज लेते हैं जिसको हमने कटिंग करके रखा था, इसको डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हमें पूरी तरीके से ब्राउन करना है और इस रेसिपी को हम कढ़ाई में, प्याज हमारी पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में फैलाकर अच्छे से रखेंगे। साइड में यहाँ पर हमने खड़े मसाले ले लिए हैं। आधा चम्मच इसमें सौंफ है, आधा चम्मच से कम काली मिर्च है, 5 से 6 लौंग है, 3 हरी इलायची है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 पत्थर फूल, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 यहाँ पर स्टार फूल। तेल हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लेम को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पर नींबू डाल देंगे खड़ी, यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे यहाँ पर 3 चम्मच, और 2 चम्मच हरी मिर्च को हम यहाँ पर पेस्ट कर डालेंगे। 100 ग्राम दही ऐड कर देंगे, थोड़े से यहाँ पर साबुत धनिया जो होता है उसको कूट कर डालेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम फ्लेम को चालू करेंगे। अगर हम पहले चालू कर देंगे तो जो हमारी दही है ये पूरी तरीके से फट जाएगी, इसलिए हम सारी चीजों को मिलाने के बाद ही यहाँ पर हमने फ्लेम को चालू किया था। इसको हमने अच्छे से भुनाई भी कर ली थी। उसके बाद इसमें जो हमारे चने हैं ना, चने को ऐड कर देंगे। और चने ऐड करने के बाद यहाँ पर तुरंत हमें इस तरीके से राइस को नहीं डालना, क्या करेंगे ना, अच्छे से पूरी तरीके से चने को भून लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कमेंट में भी जरूर से जरूर बताना कि हमारे चने पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और जब पानी ऐड करने के बाद खौल आ जाएगा तो इसमें हम राइस को ऐड कर देंगे। सेट करने के बाद हमें क्या करना होगा ना, इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना होगा, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो जो हमारे राइस है ये खिले खिले नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमें अगर राइस को खिले खिले बनाना है तो हाई फ्लेम पे इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर नमक हमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक हमने और भी ऐड कर दिया। और हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पानी है कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे जो राइस है ये पूरी तरीके से फूल रहे हैं, तो इसका पानी पूरी तरीके से अभी सूखा नहीं है। तो अभी क्या करेंगे ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जब ये गीला रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे ना, फ्लेम को कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे। उसके बाद जो हमारी प्याज है ना, प्याज को हम पूरे में अच्छे से फैला देंगे। और प्याज को पूरी तरीके से डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें एक पेपर लगा देंगे या कोई सा गीला कपड़ा लगा देंगे, सूती कपड़ा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने न्यूज पेपर रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे चने पुलाव की रेसिपी है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो हमारे राइस है ये पूरी तरीके से खिले खिले, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये पुलाव। तो जरूर से जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी और खाने में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। इस रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में भी जरूर से जरूर बताना कि हमारे चने पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी हुई है, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी रेसिपी कौन कौन देखता है और कहाँ से देखता है, मेरे को जरूर बताना।